करनाल में किसानों और प्रशासन के बीच चल रहा संघर्ष खत्म हो गया है। जी हां, करनाल प्रशासन और किसानों के बीच सहमति बन गई है और दोनों ही पक्षों की ओर से संयुक्त प्रेस वार्ता की गई, इस बात की जानकारी दी गई है। पिछले चार दिनों से करनाल जिला सचिवालय के बाहर का नजारा देखकर सबने यही मान लिया था कि किसानों के आंदोलन का दूसरा गढ़ करनाल सचिवालय बन गया है। प्रशासन और किसानों के बीच कई बैठकें हुई, बातचीत हुई, लेकिन दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई। लेकिन लगातार होने वाली बैठकों के बाद दोनों के बीच करीब अब जाकर सहमति बनी है। हरियाणा सरकार 28 अगस्त 2021 को बस्ताड़ा टोल पर हुए घटनाक्रम की न्यायिक जांच करेगी, करवाएगी और यह जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी एवं जाँच यथासंभव 1 माह में पूर्ण होगी और पूर्व एसडीएम श्री आयुष सिन्हा जी इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे और हरियाणा सरकार मृतक किसान सतीश काजल के 2 परिवारजनों को सरकार डीसी रेट पर सैंक्शन पोस्ट पर नौकरी देगी यहीं पे करनाल डिस्ट्रिक्ट। अब प्रशासन और किसानों के बीच हुई सहमति के बाद किसानों ने भी करनाल सचिवालय के बाहर से अपना मोर्चा हटा लिया है और प्रशासन के आश्वासन पर किसानों ने भी सहमति जताई है। ये फैसला सर्वसम्मति से वहाँ से परमिशन लेके सभी लोगों के हाथ खड़े करवाए। किसान आज आ रहे थे संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग अब आज यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, वो तो कुंडली बॉर्डर पे करेंगे, उसको यहाँ की जरूरत नहीं। देखिए, समाधान तो हर लड़ाई का, चाहे वो देशों की हो, समाज की हो, हर लड़ाई का समाधान तो बातचीत से निकलता है, लेकिन बात दोनों तरफ की होती है कि बातचीत जो अगले की मनसा है वो करने के लिए राजी भी हो, वो करने के लिए वहाँ केंद्र सरकार के भी मनसा जो है वो साफ नहीं है। साफ होती तो हल तो निकल जाता। तो आप खुश हैं इससे, पूरे समझौते से? जी पूरी, हमने पंचायत में रख के, पूरे अपने भाइयों में रख के उसको फैसला करना। किसानों की मांग थी कि करनाल लाठीचार्ज के बाद जिस किसान की मौत हुई थी उस किसान के परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। हालांकि करनाल प्रशासन ने किसान के परिवार के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी पर रखने का वादा किया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ये भी बताया कि मृतक किसानों के परिजनों को अगले हफ्ते तक सरकारी नौकरी पर रख लिया जाएगा। साथ ही करनाल लाठीचार्ज मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। रिटायर्ड जज की मांग किसानों की ओर से की गई थी। इस पूरे मामले की जांच 1 महीने तक होगी। हालांकि जांच के दौरान तत्कालीन एसडीएम को छुट्टी दी जाएगी। जांच सामने आने के बाद तत्कालीन एसडीएम पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। रेट में नौकरी का मतलब ये रहता है आगे उनके पक्का कर्मचारी बनने का ऑप्शन है, चांस है, काफ़ी हद तक चांस है। और दूसरी बात ये है जो 28 सितंबर को बस्ताड़ा टोल टैक्स पर, 28 अगस्त को बस्ताड़ा टोल टैक्स पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसकी न्यायिक जांच होगी, रिटायर्ड जज से जांच होगी और 1 महीने का टाइम बाउंड किया गया है। और ये भी कहा गया है अगर जाँच में 2 महीने लगते हैं तो एसडीएम आयुष सिन्हा 2 महीने तक छुट्टी पर रहेंगे। अगर जितना समय लगेगा जाँच आने का रिजल्ट में उतने समय तक एसडीएम आयुष सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे। बहरहाल दोनों पक्षों के बीच सहमति बन चुकी है। किसानों ने करनाल सचिवालय के बाहर से धरना खत्म कर दिया है। हालांकि किसानों ने कुछ मांगे बदली लेकिन प्रशासन ने भी किसानों को सहमत करने का पूरा काम किया। अब किसानों का आंदोलन करनाल सचिवालय के बाहर से खत्म होकर सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हो चुका है। साथ ही करनाल सचिवालय के बाहर संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक होने वाली थी अब वही बैठक कुंडली बॉर्डर पर की जाएगी, जहां पर किसान आगे की रणनीति बनाएंगे। हिमांशु नारंग, करनाल, खबरें अभी तक।